अस्सलामुअलैकुम। मैं चाह रही थी कि मैं इसको शुरू से आज वीडियो बनाती, लेकिन मेरे ना कुछ घर में मेहमान आए हुए थे और उनके साथ थोड़ा सा मैं बिज़ी थी। सुबह उठी हूँ तो दूसरी कॉल आई, तो मुझे कहा कि चलो लंच पे चलते हैं, क्योंकि आज संडे था। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो यहाँ हमारे कराची में एक रेस्टोरेंट है तारिक रोड पर, रेरो के नाम से। तो मैं यहाँ पे अभी खाने के लिए आई, तो मैंने कहा नहीं यार, यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अभी हम लोगों ने जो है, मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ और मैं अपनी दोस्त से आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। जी हेलो। अच्छा जी, हम तकरीबन कोई बचपन से मुराद की, मतलब मैं कहती हूँ जब आप 10-15 साल के होते तो आपको बचपन ही होता है, तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। अभी लॉकडाउन में वैसे क्या हुआ था, घर में खाने खाए जा रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक ये हमारी ड्रिंक्स भी आ चुकी हैं और ठीक है। फ्रेश लाइम है या 7-Up है? फ्रेश लाइम विद 7-Up। फ्रेश लाइम विद 7-Up। पता है क्या, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि वैसे तो ड्रिंक जो है वो नहीं पीनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन समटाइम आपका बड़ा दिल करता है जब आप कुछ हैवी खाना खाते हैं कि यार चलो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना खाऊँ। दो जो है पेरी पेरिस रह चुकी हैं, एक खाई जिया ने और एक मैं खा चुकी हूँ। और उसके बाद इसने जो है ये अभी ऑर्डर किया है फिश, और अभी मेरा खाना पैक है, ज़रूर आपको दिखाती हूँ। और इसका जो एम्बियांस है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रेस्टोरेंट हम लोगों ने आके खोला है ना, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो थी, हम लोग जब आए हैं तो तकरीबन 2 बजे का टाइम था और 2:30 बजे ये ओपन होता है। और इसका ये व्यू बहुत अच्छा है, ये एज यूजल हमारी कराची की तारे, जो बिजली की तारे आप ढेर सारी देख रहे होंगे, तो ये लगी पड़ी हैं। ये इसका व्यू है और ये रात के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। I was living my life, who's so wrong? Always numb in my mind, battled on. Building scars from the night. Always numb in my mind, battled on, building scars from the night, so far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. जनाब अभी हम सेट पर आ गए हैं, और ये कि मैं ज़रा, ये आप देख सकते हैं, ये मैं बैठी हूँ। खैर ज़्यादा जो है सारा पीछे कौन खड़ा हो रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ इन टच रहूँ और सारी अपडेट्स आप लोगों को देती रहूँ, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। यहाँ इनका मेकओवर होगा एंड साथ में हम भी हैं एंड जनाब आज की एक्टिविटी मैंने आप लोगों से
सब सुबह शो की बताई, मैं घर से निकली, फिर घर से निकल के फिर मेकअप रूम में, फिर मेकअप रूम के बाद फिर सेट की थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाई, अब मैं जा रही हूँ घर। और उसके बाद फिर क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ऐसे कोई ख़ास मसरूफियात नहीं है। लेकिन फिर भी आज का जो शो था वो आप लोगों ने देख लिया, ब्राइडल पे था। और सबसे पहले तो मैंने घर जाके कुछ ना कुछ खाना है, मैंने मम्मी को कर लिया फ़ोन, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, चाय मैं दो दफ़ा पी चुकी हूँ, नॉर्मली मैं नाश्ता करके निकलती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मेरा अर्ली कॉल टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी को डिस्टर्ब ना करूँ, तो उनको मैंने सोने दिया। और अब जा के मैं सबसे पहले कुछ खाना खाऊँगी, खाना खाने के बाद फिर देखेंगे कि क्या अपडेट है। बाकी वो लोग जो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके पहले तो बेल आइकन बजा दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को वो लोग देखते रहें, अपडेट करते रहें। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी, सारी की सारी एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों का मुझे फ़ीडबैक भी चाहिए। मैं जैसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक चाहिए, तो मुझे फ़ीडबैक चाहिए ताकि ये कि मुझे हौसला अफजाई मिलती।